पर जब ये हमारे हॉस्पिटल में आए थे व्हीलचेयर पे आए थे, यानी कि चला भी नहीं जा रहा था। इनकी वाइफ भी साथ आए थे, ये व्हीलचेयर पे आए थे। इनको डॉक्टर ने बोला किडनी फेल हो चुकी है, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। पिछले एक महीने से इनका कोई डायलिसिस नहीं हुआ, जो कि पहले एक साल से हफ्ते में दो बार हो रहा था, वो बिल्कुल बंद है एक महीने से। एक मतलब उनको विश्वास ही नहीं होता कि जो डायलिसिस हम करते हैं, जो ये बंद भी हो सकता है क्या। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे मरीज से मिलाने जा रहे हैं जिसकी डॉक्टर के पास जाने से जो इच्छा शक्ति थी वो लगभग खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन उसी इच्छा शक्ति को दोबारा जगाने का कार्य जाने माने आयुर्वेदा आचार्य मनीष जी ने किया। तो ये बहुत लकीली कि दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, मरीज भी और डॉक्टर भी, तो दोनों से बात करेंगे। तो दोनों का स्वागत है नेशनल खबर पर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्या समस्या थी और बाकी डॉक्टर्स ने आपको कैसे ट्रीट किया। मुझे CKD5 की समस्या थी और एलोपैथी के डॉक्टर ने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि या तो ट्रांसप्लांट करा लो, नहीं तो एक महीने के अंदर आप ख़त्म है, कुछ आपका बचा नहीं है। फिर उसके बाद आपको कैसे आचार्य मनीष जी के बारे में पता चला और आचार्य मनीष जी के पास आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मुझे जनवरी में पता चला सर के बारे में, फिर मैंने सर का प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा और जब से मैं सर के संपर्क में आया, बीच में हुई थोड़ी सी परेशानियां, मगर सर ने मुझे इतना विश्वास दिया, इतना मनोबल दिया कि मैं बिल्कुल भी एक पग भी पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता ही रहा और सर के दिए हुए गाइडेंस को मैं फॉलो करता रहा। और आज ये स्थिति है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब काम अपने अपने आप से करता हूँ और जो प्रॉब्लम थी मेरी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, बीच में रोकना चाहूँगा, जब ही हमारे हॉस्पिटल में आए थे व्हीलचेयर पे आए थे, यानी कि चला भी नहीं जा रहा था, इनकी वाइफ भी साथ आए थे, ये व्हीलचेयर पे आए थे। इनको डॉक्टर ने बोला किडनी फेल हो चुकी है, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये मैडम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार भी हो गई थी। कौन सी डेट थी जिस डेट को आपने 11 मार्च को डेट मिल गई थी ट्रांसप्लांट की, उसके बावजूद इन्होंने हमारे हॉस्पिटल पे हम पर विश्वास किया। हम लोगों ने इनको डाइट समझाई, थेरेपीज बताई, इन्होंने हिम्मत रखी, इन्होंने हमारे हॉस्पिटल और हमारे बीच में लगभग 1.5 महीना संपर्क रहा और आज लगभग टोटल 3 महीने के लगभग हो चुके हैं। पिछले एक महीने से इनका कोई डायलिसिस नहीं हुआ, जो कि पहले एक साल से हफ्ते में दो बार हो रहा था, वो बिल्कुल बंद है एक महीने से। और कोई सिम्टम नहीं है, ना पैरों में सूजन है, ना कोई उल्टी आ रही है, ना कोई खुजली, जो किडनी फेल को जो सिम्टम आते हैं वो कोई सिम्टम नहीं है। अब इनका जो शुरू में DTPA स्कैन करवाया था, जिसको हम रीनल स्कैन भी बोलते हैं, जिससे पता लगता है किडनी कितना काम कर रही है, क्योंकि उसी से पता चलता है किडनी कितने परसेंट फेल है। अब इनका वो ड्यू हो गया, आज इनका वो भी करवाने वाले हैं हम। तो ये पेशेंट सबसे बड़ी बात है, ये मुरादाबाद के हैं, एडवोकेट हैं। जब पहली बार जब इनको सिर्फ 10 दिन हुए थे हॉस्पिटल में आए हुए, हमने तब एक लाइव किया था, उस लाइव में इनकी वाइफ थी। पर ये हैरान हो आप हैरान हो जाओगे, इनको मुरादाबाद से उसी दिन 4-5 लोगों के फ़ोन आ गए, अरे आप कहाँ चक्रों में पड़ गए, आप कहाँ बेवकूफ़ बन रहे हो, आप फंस जाओगे, आप मर जाओगे। इवन कि जब ये वापस गए छुट्टी लेकर, जो इनका डायलिसिस करने वाली जो लैब है जहाँ डायलिसिस कराते थे, उन्होंने क्या क्या बोला है खुद बता देंगे, आप मर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप गलत ट्रैक पे हो। मतलब इतना नेगेटिव करती है ये कम्युनिटी, एक मतलब उनको विश्वास ही नहीं होता कि जो डायलिसिस हम करते हैं, जो ये बंद भी हो सकता है क्या। और पेशेंट आपके सामने है, ऐसे हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं। ये तो एक पेशेंट मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि जो पेशेंट किडनी इनकी खराब हो चुकी है, ठीक करना चाहते हैं, उनको ये चैलेंजेस आएंगे। डायलिसिस वाला भी आपको परेशान करेगा, जो डॉक्टर आपको पहले बोलता था कि ट्रांसप्लांट ही इलाज है वरना मर जाओगे, वो भी आपको परेशान करेगा। वो इनको बोल रहे हैं अब मर जाओगे, अब मर जाओगे, अब मर जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, क्या वो लोग नहीं मरते? ऐसा बोल बोल के डिप्रेस करके आप करना क्या चाहते हो? आप हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हो, लेकिन हम घबराने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि पेशेंट ही भगवान है और इनकी दुआओं से ही हम जिंदा हैं। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान व्हील चेयर पर चलकर आए और आज आपके सामने दो पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन वाला मामला तो खत्म होने वाला नहीं है। डिप्रेस किया जाएगा, अगर आप रास्ते में चलेंगे तो आपका रास्ता रोका जाएगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए जैसे अभी हिम्स चंडीगढ़ में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, विद इन 7 डेज हमारा लुधियाना, अमृतसर, जलंधर और गुड़गांव और लखनऊ, मुंबई, ये सब हॉस्पिटल शुरू हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी लड़ाई है,
मैं तो ये चाहूंगा सबसे पहले अभी जो हम आगे भविष्य की बात करने से पहले हम पहले तो पेशेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि जैसे इनकी वाइफ है ये इनको दे रही थी, क्या इनकी एक किडनी कम हो जाती इनको भी तकलीफ आ सकती थी? और आज आज जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस दिन स्पेशल बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छापा जा रहा है चंडीगढ़ के कि अगर बच्चे की किडनी फेल है तो आपको डायलिसिस नहीं कराना, सीधा ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि उनको डर है। क्योंकि पिछले महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक 14 साल की बच्ची को पेश किया था, जसलीन को, जिसका 3 महीने से डायलिसिस बंद है, जो कि पहले हफ्ते में 2 बार हो रहा था। तो उस पूरी लॉबी को एक टेंशन है कि ये कौन लोग आ गए जो हमारा धंधा बंद कराएंगे और इनको कैसे परेशान किया जाए, इनको कैसे दुखी किया जाए। हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स भी होती हैं, हमें परेशान करने की पूरी कोशिश भी की जाती है, लेकिन हम विश्वास ये रखते हैं कि भगवान हमारे साथ है। ऐसे पेशेंट, ऐसी मतलब इनकी वाइफ इतनी शक्तिशाली जो महिला शक्ति है वो हमारे साथ है, इसलिए हम ये लड़ाई, और आप जैसे पत्रकार भी हमारे साथ है, तो हम ये लड़ाई जीत लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप जीतेंगे। और इनकी वाइफ को देखकर साफ तौर पर देखा जा सकता है, इनकी खुशी से ये ठिकाना लगाया जा सकता है कि वाकई में ये कितनी खुश हैं। और क्या हालत थी उस टाइम पर जब सर को मना कर दिया था डॉक्टर्स ने कि आप ठीक नहीं होंगे और नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर लाए। मैम, मेरे हस्बैंड जब हिम्स गए थे फर्स्ट डे पे, 8 लोगों ने इनको स्ट्रेचर पे से उतारा था, ये कंडीशन थी। लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी, अप एंड डाउन आए, हम फिर भी हार नहीं मानी। हमने फिर भी, हमने कहा हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। आप बिलीव नहीं मानोगे, हमसे लोग कहते थे, जो डायलिसिस वाले डॉक्टर थे वो कहते थे ये लोग तो टीवी पे आने वाले हैं, यूट्यूब पे मतलब वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये तुमसे थोड़ी ना मिलेंगे। आप उनको बोलते कि टीवी पर वही आते हैं जिनमें कोई बात होती है। लाइव अपने साथ फोटो दिखाया, मैंने कहा ये बड़े लोग नहीं है, ये सब उनके सबके साथ में बात करते हैं ये डॉक्टर्स। मैंने कहा ये लोग आपकी तरह नहीं है कि आपके यहाँ आए, हमने 1500 का पर्चा बनाया, आपने 5 मिनट देखा और चले गए। मैंने कहा इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आपके यहाँ होता है। डायलिसिस पे भी नहीं ये बोला जाता था, अरे ये तो मर जाएगा, वहाँ चला गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है, वही कराओ, उसके अलावा तुम कुछ नहीं करा सकते। ये बहुत गलत बात है, गलत बात है, लेकिन सही दिशा में आपको आचार्य मनीष जी जैसे लोग मिल गए हैं जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, और नेशनल खबर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बोलना चाहूंगा, कोई भी डॉक्टर अगर दिल में छेद है या किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट बोलता है, ऑपरेशन बोलता है, तो एक बार रुको, आयुर्वेद नेचुरोपैथी जिंदा है, एक बार बात तो करो, अपने शरीर पर विश्वास तो करो, प्रकृति के नजदीक तो आओ। आपकी बॉडी में हीलिंग पावर है, हमने इनको ठीक नहीं किया, इन्होंने अपनी हीलिंग पावर से अपने मन की स्थिति को ठीक कर खुद अपने आप को ठीक किया। तो मन की स्थिति ही तन स्थिति को ठीक करती है, वो कहावत है ना आयुर्वेद की, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, बस जैसा मेरे अंदर है वैसा ही बाहर है। तो इन्होंने अपने मन स्थिति को ठीक किया, तो सृष्टि ने, इनकी प्रकृति ने इनकी मदद की, और आज ये पेशेंट बिना डायलिसिस के 1 महीने से आज हमारे साथ हैं। जो ट्रांसप्लांट 11 मार्च को होने वाला था, आज तारीख है 8 मई, और ये पेशेंट को बोला गया था 1 महीने में आप मर जाओगे, जनवरी पिछले साल जनवरी में, और सोचो आज 1.5 साल बाद पेशेंट जिंदा घूम रहा है ना। तो ये है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की शक्ति। बिल्कुल, आप इसी दिशा में बढ़ते चलिए, आपके साथ हम सभी साथ हैं, और आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपनी नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।